नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। भाई कल रात 12 बजे फाइनली कृष्णा की एल्बम स्टिल हेयर ड्रॉप हो चुकी है और तुम लोगों ने ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया मेरे को कि तुम्हें कौन से गाने पसंद आए, कौन से नहीं आए, कौन से तुम्हारे फेवरेट हैं, किस पे मुझे पहले रिएक्ट करना चाहिए। तो जो दो गाने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हुए हैं वो है फर्स्ट इज ड्रीम, सेकेंड इज इंट्रो एंड या सजाए मौत भी काफी हुआ है। बट हाँ, ये दोनों सुनने को मेरे को मतलब भर भर के कि भाई ये सुनो, इसमें मजा आ जाएगा आपको, ये सुनो। तो रैंडमली मैं ड्रीम सेलेक्ट करने वाला हूँ। वैसे मेरा जो मन करता है वो होता है शुरुआत से सुनने का, जिस लाइन से सिलेक्टेड है उस लाइन से सुनने का। लेकिन स्टिल हेयर इंट्रो एंड व्हाट्स माय नेम मैं रोक के रखूंगा बाद के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी शायद वीडियो आ सकती है। रोल अप पे मैंने रिएक्शन कर दिया, विलन मैं सुन चुका हूँ। तो अभी मैं सुनने वाला हूँ ड्रीम, इसकी सिर्फ ऑडियो आई है। मैं वीडियो का वेट कर सकता था बट एक मैसेज की वजह से मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, जो एक मेरे को बंदे ने भेजा। अगर वो कृष्णा देखेगा तो भाई वो बंदा बहुत टच था, मतलब बहुत ज्यादा टच था इस गाने से। तो मैं सुनता हूँ इस गाने को अब 3, 2, 1 एंड थैंक यू यार, तुम लोगों ने समझा कि मैं ऐसे गाड़ी में रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3, 2, 1 एंड गो। Still here, this guy is still here. 2002 में शुरुआत। अगर ये 2002 में शुरू किया तो अराउंड 2000 के 2005 के आसपास ही वापस आ गया हो इंडिया, तब रैप कौन सुनता था भाई। Damn, भाई मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं भाई। कुछ पाक के उसको खो देना ना, बहुत तुम्हारा फोन चोरी हो जाता है तब तुम सद नहीं पाते इतने दिन।
यहाँ पे तो इसकी ड्रीम चोरी हो गई थी, इसका सपना चोरी हो गया था। अबे यार, एक सपने फेवरेट रैपर के फ्लो भी करता था मैं मिमिक, ऐसे निकले दो साल आई थॉट इट वाज फिनिश, पर 18 पे कॉलेज में मेरी बनने लगी इमेज, मेरे सुमन और टूडू जिनको रैप का था शौक, हमने बनाया एक ग्रुप इलिसिट कैश मॉब, 2005 रिकॉर्ड किए कुछ गाने हमने, हिप हॉप नाइट दिल्ली में लोग भी पहचाने हमें, यंग एंड हंग्री वो दिन अब लगते हैं बेस्ट, वी डिड रैप फॉर द चेक्स, वी जस्ट रैप फॉर रिस्पेक्ट, फिर 2006 में सोलो आर्टिस्ट बना नेक्स्ट, नाम रखा प्रॉस्पेक्ट, आई गेस यू नो द रेस्ट, आई जस्ट हैड अ ड्रीम सिंस आई वाज जस्ट अ टीन, करना चाहता था मैं रैप, बनाना चाहता था मैं सीन, ये आई जस्ट हैड अ ड्रीम, जब इनको ना यकीन, तो मैं से रही हूं मैं बैक, आज सीन है सीन, ये आई जस्ट हैड अ ड्रीम सिंस आई वाज जस्ट अ टीन, करना चाहता था मैं रैप, बनाना चाहता था मैं सीन, ये आई जस्ट हैड अ ड्रीम, जब इनको ना यकीन, तो मैं से रही हूं मैं बैक, आज सीन है सीन, भाई साहब, भाई साहब, ना हुआ नो कि जिस बंदे ने मेरे को ये सजेस्ट किया कि वो इतना ज्यादा क्यों सेंटी हुआ पड़ा था। भाई साहब, बहुत फाड़ गाना है, बहुत फाड़ गाना है, क्लास गाना है, राइमिंग स्कीम से लेके हुक से लेके आई जस्ट हैड अ ड्रीम, ओ भाई। और जिनको पता है उनको पता होगा कि जब इनिशियली कृष्णा वाज इनटू दिस बीफ गेम एंड ऑल वगैरह, तो लगातार बीफ 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 वाले गाने आ रहे थे, डिस्ट्रैक्स आ रहे थे, एंड मी पर्सनली इफ यू नो मी आई लव बीफ्स, आई लव डिस्ट्रैक्स, पर उस टाइम पे आई वाज लाइक कि आई वांट टू हियर समथिंग अबाउट कृष्णा हिज जर्नी, एंड आज फाइनली ये फील मेरे को नो लॉसेज में आई थी, और ये तो इसने पूरी चिट्ठाई खोल दिया। भाई साहब, कैसे कैसे वहाँ पे इसने नाम कमाया, एंड देन ऐसे ऐसे सब कुछ चला गया। वो सबसे हार्डेस्ट चीज, वी आर इन लाइफ इन जनरल, आप जब कुछ भी चीज खो देते हो तो आपको बहुत दुख होता है, और जब आपसे कोई आपका सपना छीन लेता है ना, अगर तुम सोचोगे ना कि इसको कैसा फील हो, मतलब आप कहीं के हीरो, समझ लो कहीं के हीरो, और आप अब यू आर नोबडी नाउ, फीलिंग अलग होती है, बहुत कुछ होना और उसका खो जाना, भाई बहुत, जिनको पता उनको पता है, बट लेजेंड्स राइज फ्रॉम देयर ओनली, और इसीलिए अभी लिविंग लेजेंड अपना भाई क्या, तो भाई बहुत सही। स्टिल एयर के जितने भी गाने मैंने सुने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सबके ऑलमोस्ट रिव्यू दे दिए हैं, मेरे काफ़ी सारे गाने जो मैं कवर करने वाला हूँ इन फ्यूचर फॉर श्योर। अभी तक ड्रीम मेरा फेवरेट है, फेवरेट ऑन लूप बजेगा, क्योंकि इट हैज मोटिवेशन, इमोशन है, लिरिक्स है, एंड सी इसमें कोई वो डबल एंटेंड्री पटर वो यहाँ वाली बातचीत है, भाई मुझे बहुत मजा आया, बहुत सही गाना लगा। आई जस्ट हैड, भाई मेरे को पूरी एमिनम वाली वाइब दे रहा है कि इसने स्लिम शेडी वाला हिसाब किताब दिखा दिया अपना, एंड नाउ ही इज मूविंग टू हिज मार्शल मैदर्स टाइप, मतलब अपना अपना जो दिल खोल के दिखाया है, I loved it. यही था मेरा reaction, यही था मेरा गाने का review. I hope you guys liked it. If you do, please hit the like button. नए हो तो subscribe करके जाना. May 2021 में मेरी second EP आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो मेरे को भी, जितना ज़्यादा तुम सब्सक्राइब करते हो उतनी ज़्यादा मेरी रीच बढ़ती है, मैं अपने गाने तुम लोगों तक सुना पाता हूँ, तुम्हारे गाने लोगों तक बता पाता हूँ। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से, वटता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।